किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव मतानत नगर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम सरकारी योजनाओं का हाल जानने के लिए दौरा करते हैं देश के अलग अलग गांव का, और इसी कड़ी में आज हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर गाँव में आ पहुंचे हैं, और यहाँ पर भी हम किसानों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाओं को लेकर इन्हें कितनी जानकारी है और वो ना इन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। तो इसी के साथ हम मतानत नगर गांव का आइए रुक करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर गांव में मौजूद हैं, और आप देख रहे होंगे कि बहुत से किसान हमारे साथ यहां पर चौपाल पर मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में, इनकी क्या राय है और कितना लाभ ये इन योजनाओं का ले रहे हैं। तो किसानों से हम बातचीत करें उससे पहले क्यों ना हमारे साथ जो विशेषज्ञ मेहमान है उनसे हम योजना के बारे में जान लेते हैं। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आप अपना परिचय हमारे जो साथी मौजूद किसान हैं उनके लिए दे दे, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम हरनाम सिंह है और मैं कृषि विभाग से हूँ, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर हूँ विकासखंड स्तर पर। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो किस तरह की ये योजना है और किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है। ये योजना बहुत ही फायदेमंद है किसानों के लिए। जब भी मतलब ज़रूरत होती है तो बैंक से जो लोन लेते हैं उन्हीं किसानों के लिए है जो भूमि धारक कृषक हैं, और इस योजना में वार्षिक 7% ब्याज जो है बैंक लेता है, लेकिन अगर समय से लेते हैं और समय पर अगर चुकाते हैं तो उसमें 3% का जो है छूट सब्सिडी देती है, उसमें 2% स्टेट देता है, 1% केंद्र देता है सेंट्रल, तो इससे उन्हें फायदा होता है और कम ब्याज पे है। एक्चुअली क्या है तो इसमें अगर किसी अड़ती है कहीं से लेंगे तो ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है तो उसमें लॉस होता है, तो इसलिए ये योजना बहुत कारगर है। क्या है ये केसीसी जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें और भी इम्प्रूव हुआ है जब से पीएम किसान आया है। तो क्या करा है हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने, इसे जो विभाग जो हमारा है कृषि विभाग, इस पे हमारे पोर्टल पे एक फार्म है, हमारे यहाँ से जो विभाग से अगर ये बनवाएंगे तो फार्म भरना पड़ता है, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है और 15 से 20 दिन के अंदर बैंक को बना के देना पड़ता है। पहले क्या होता था, कृषक बंधु जो जाते थे बैंक में तो वहाँ पे उनका कहीं बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाते थे, पैसा भी लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, काफी इम्प्रूव हुआ है। तो विशेषज्ञ मेहमान सब ने बातचीत की और आइए अब किसानों से बातचीत करते हैं और योजनाओं का हाल जानते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना नाम यहाँ पर बताएं। सुरेंद्र यादव जी। सुरेंद्र जी, हमें ये बताएं कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के बारे में आपको किस तरह की जानकारी हो, क्या इसका लाभ आप लोग ले रहे हैं? किसान क्रेडिट कार्ड का बहुत महत्व है मैडम, और इससे पहले जो अब से पहले एक साल पहले जो लगभग चल रहा था वो बड़ा कठिन था। उस समय में बैंकों से सीधा हमारा कॉन्टैक्ट था और बैंकों में वकील के यहाँ भी चक्कर कटाते थे और वहाँ जो फील्ड अफसर होता था वो भी परेशान करता था, लेकिन इस साल पारदर्शिता आई है इसमें बनवाने में कि ऑनलाइन भी सिस्टम कर दिया है और कृषि विभाग के माध्यम से भी कर रहे हैं, और ये बहुत ही सरल हो गया है तब से। तो किसान जाए और अपना फार्म भरे, इस बार तो कॉल कर करके भी बैंकों ने बुलाया है, केवल ये सरकार की मुहिम समझो कि उन्होंने पारदर्शिता ला दी। इसका उपयोग हम जैसे कि हमें फसल में खाद और अपना बीज लेना हुआ या किसी भी चीज के लिए आसानी से हम ले सकते हैं और समय पे कर दें, तो वो केवल 4% अदा करना पड़ता है ब्याज भी समय से देने में। मैडम जी बहुत अच्छी योजना है, तो सही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमें दें। मेरा नाम मुकुल सरावत, गांव मतानत नगर, जिला बागपत। जी मुकुल जी, मुझे बताइए कि केसीसी का इस्तेमाल क्या आप कर रहे हैं और इससे किस तरह से लाभ हुआ है आप लोगों को? इसका हमें बहुत लाभ है, पर अगर जो समय से हम इसका लाभ उठाना चाहें तो उसका लाभ का कोई तोड़ नहीं है। जी जी, तो पहले की जो व्यवस्था थी जिसमें लोगों को पैसे की जरूरत होती थी तो बहुत मुसीबत होती थी, लेकिन अब केसीसी उनके हाथ में है तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें हो गई? अगर हम एक साल से पहले उसको जमा करते हैं तो 7% से कम ब्याज हमें अदा करना पड़ता है उनको। जी लगभग लगभग 4%, और अगर हम लेट होंगे एक साल के बाद तो हमें 7% देना पड़ेगा, उसके बाद 14% हो जाता है,
और अगर हम सभी किसान भाई इसे समय से अदा करें तो हम नियमित रूप से हमें लाभ ही लाभ है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी किसानों से यहाँ बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम हमें यहाँ पर बताएं। संजीव कुमार मतानत नगर है जी। संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी मैं कि केसीसी जो है वो किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी है आपको लगता है? लाभकारी तो ये जो सबकी अपनी वो है, बस जो किसान है कमजोर है जो अपने गांव में से ज्यादा ब्याज पे पैसा ले है उन्हें कम ब्याज पे मिले है जी, उन्हें यही लाभ है। और अपने कमजोर वक्त में कह लो या ये कह लो कि या कुछ का जो टूटता टाइम है उसमें वो काम आता है जी जी। सीधी सी तो भाषा इसकी है जी ये। योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये हैं कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा। किसान मुस्काए,
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर गांव में। आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें यहाँ पे। किरसन पाल सिंह, मतानत नगर। जी कृष्ण पाल जी, मुझे ये बताइए कि केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड, उससे किसानों की जिंदगी में क्या सुविधाएं आ गई हैं और किस तरह से उन्हें आसानी हुई है जो आड़े वक्त पे उनको पैसों की जरूरत होती है उस समय। बहुत सुविधा मिली है जिससे, और हर किसान को छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो जरूरत है वो उसकी केसीसी से पूरी हो रही। किसी के सामने वो नहीं जरूरत पड़ती हाथ फैलाने की, भाई मुझे पैसा दे दो। और बहुत आराम की चीज है, समय पे दो और लो जी, बहुत आराम है जी। कृपया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है नरेश कुमार सहरावत। जी नरेश, हमें ये बताइए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है जो किसानों के लिए कम ब्याज पर उपलब्ध होता है, इससे किस तरह से किसानों को लाभ हो रहा है? अजी बहुत बढ़िया है, जो छोटे किसान बेचारे गरीब आदमी है उन्हें बहुत लाभ हो रहा। लड़की की शादी करने में, भैंस लेने में, जमीन लेने में, प्लॉट लेने में बहुत अच्छी चीज है जी, किसी पे मांगना नहीं पड़ता। बिल्कुल। कृपया आप भी अपना नाम बताएं, आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे हम। हरपाल सिंह, मतानत नगर। जी हरपाल जी, ये बताइए किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने तो लिया नहीं जी, हमने कभी लिया नहीं, हमें उसका फायदे का नुकसान का पता ही नहीं। क्या आपने सुना है लोगों से यहाँ पर, या फिर किसी का अनुभव आप जानते हैं कि कम ब्याज पर अगर किसान को कृषि ऋण मिल जाए तो उसके लिए फायदा है आपको लगता है, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड देता है? ऋण तो मिल गया, उसे लाभ है जो टाइम पे भरे, और जिस पे टाइम पे नहीं भरे जाए उसे नुकसान है जी। बिल्कुल। और वो कमजोर वर्ग के लिए उन पे भरे नहीं जाता, फिर वो डबल तिबल हो जा। कृपया आप अपना नाम बताएं। राजवीर सिंह जी। जी हम जानना चाहते हैं आपसे कि किसानों को जो कम ब्याज पर मिल जाता है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, उसे कितना आप किसानों के लिए लाभकारी मानते हैं? हाँ जी, लाभ है जी, सही लाभ है जी, सही। जी तो किस तरह से पहले किसानों को परेशानी होती थी, सूदखोरों के चक्कर लगाने होते थे, अब उन्हें आसानी से कृषि ऋण मिल जाता है, किस तरह से जीवन में उनके आसानी है जी? कृपया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है संजीव कुमार। जी संजीव जी, बताएं हमें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी है योजना किसानों? भाई योजना तो ठीक है, पर दिक्कत एक है, साढ़े दस दस चक्कर बैंक में काटने पड़े हैं। बैंक में चक्कर काटने के बाद भी पैसे देगा जी भी ग्रीटिंग कार्ड मिले ना, मिलते ही नहीं। किसानों को कम ब्याज पे कृषि ऋण मिल रहा है? हाँ मिलता है? कम ब्याज पे, लेकिन एक बात बताओ, जो छोटा किसान है उस पर नहीं भरे जा रहे तो ब्याज पे ब्याज बढ़ रहा, तो उसकी भी तो कुछ राहत होनी चाहिए ना। अच्छा भाई, जिस पर नहीं भर रहा वो ब्याज भर सकता है टाइम पे, लेकिन वो ब्याज भी नहीं, उनका पूरे पैसे भरो, ये भी तो होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए, कम से कम ब्याज भर ले, अगर किसान कमजोर है तो किसी ब्याज ब्याज भर ले बस। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप भी अपना नाम बताएं। मेरा नाम शशि कुमार है, मतान नगर से। जी मुझे ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसका क्या लाभ आप समझते हैं किसानों के लिए? नहीं, जैसे मैंने सुना है यहाँ से भी किसान भाइयों ने बताया, किसान क्रेडिट कार्ड छोटे मझले या कोई भी बड़ा किसान हो उसके लिए काफी फायदेमंद है, और मेरे हिसाब से वो सभी को उसका लाभ लेना चाहिए और टाइम से भरना भी चाहिए जी, तो ताकि वो अपने जो है बच्चों का पालन पोषण कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। कृपया आप अपना नाम बताएं। राजेंद्र, मतानत नगर। जी राजेंद्र जी, हमें बताइए किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या आपको लगता है किसानों को इससे फायदा है? हाँ जी फायदा है बहुत, छोटे बड़े सभी को फायदा है, जो टाइम से अपना भरे जा जी, ये फायदा है इसका। कम ब्याज है, टाइम पे भरेंगे 3% की छूट भी मिलती है जी। कृपया आप अपना नाम बताएं। वीरेंद्र सिंह, मतानत नगर। जी वीरेंद्र सिंह जी, आपसे हम केसीसी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या राय है आपकी, ये योजना कितनी लाभकारी है? योजना तो ठीक है, टाइम से लो टाइम से दो, सही है। किस तरह से जो किसान है वो सूदखोरों के चक्कर से उसे आजादी मिलती है इस केसीसी की वजह से? बस जिसे आजादी है, जिसे नहीं है नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना नाम बताएं।
जी अरविंद जी बताइए हमें केसीसी के बारे में क्या आपको जानकारी है और क्या लगता है इस योजना के बारे में? केसीसी में जो कृषि ऋण मिल जाता बहुत ही कम ब्याज पर, ये किसानों के लिए कितना जरूरी है जी? वो बहुत अच्छा है, टाइम पे काम आ जाए सबके। कृपया आप अपना नाम बताएं। मैं संजय कुमार जी। जी संजय जी, बताएं हमें किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या राय है आपके और किसानों के लिए किस तरह से ये फायदेमंद साबित हो रही है? फायदेमंद तो नहीं है जी, टाइम से लो टाइम से दो, फायदेमंद है। बहुत ही कम ब्याज पे कृषि ऋण मिल जाता है, इसका लाभ है। हाँ जी लाभ है। ठीक है, योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमों एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथा आवश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर गांव में, जहां पर लगी हुई है हमारी चौपाल। तो आइए फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत जारी रखते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आपसे भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगी योजनाओं के बारे में। अपना नाम बताएं। तेजपाल है जी। जी तेजपाल जी, हमें ये बताइए कि जो किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जा रहा है जिसमें बहुत ही कम ब्याज पे उनको कृषि ऋण मिल जाता है, ये कितना जरूरी है किसानों के लिए और कितना ये लाभकारी है? आप जो उतनी अपना भंता ले लें 2 रुपए, वहाँ भर दो टाइम पे, अपना काम हो जा,
ना भरेंगे और ब्याज बढ़ेगा ज्यादा, यूँ है फायदा तो ना भरेंगे और ज्यादा ब्याज हो जाएगा और घर तो डरती बेच कर देने पड़ेंगे ना, और भर देंगे तो अपना टाइम पे तो कुछ भी ना, यूँ है जी। तो यहाँ पर हमने चौपाल में कई किसानों से बातचीत कर ली है और इस गांव के प्रधान भी हमारे साथ चौपाल पर मौजूद है, तो आइए उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मैडम मेरा नाम सुबेदार जय कुमार है, मैं सेना से रिटायर्ड हूँ जी और गांव मतानत नगर से हूँ जी। हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में हमने बातचीत की, कई किसान इसे लाभकारी मानते हैं, कुछ को जानकारी नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं उन महानुभावों को उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये किसान क्रेडिट कार्ड को इस किसानों के लिए ये किसानों को दिया था और जिसके मैं उन्हें जन्मदाता भी कह सकता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। ये एक इतनी अच्छी योजना है, अगर इसे जरूरत पड़ने पर कोई भी किसान अपना पैसा निकाल सकता है और अगर समय पर जमा नहीं किया तो इसका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि समय पर लो और समय पर इसे जमा कर दो ताकि हम दूसरे लोगों के चंगुल में ऐसे ना आए कि हमें उसका नुकसान उठाना पड़े। टाइम पर लेंगे, टाइम पर जमा करेंगे तो बहुत फायदा रहता है, हाँ जरूरत के समय पर काम आता है जी। हाँ, तो चौपाल पर तो हमने किसानों से बातचीत कर ली और अब चलते चलते विशेषज्ञ मेहमानों से एक बार फिर से जानकारी ले लेते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में किसानों ने बहुत अच्छी राय दी है कि ये बहुत जरूरी है किसानों के हाथ में होना, लेकिन कुछ किसानों को जानकारी का भी अभाव है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी मैम, जो कृषक बंधु हैं जिन्हें जानकारी का अभाव है, वो लोग पहले उन्हें संपर्क करा था बैंक में, लेकिन अब इम्प्रूव हुई है योजना इसी वर्ष कि अब जो है हमारे विभाग से ही अगर आप फार्म भर के जमा करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, कोई भी पैसा उनका खर्च नहीं होगा। इसमें क्या है, और अब जो है बागवानी पे भी है, पशुधन पे भी है, हम मतलब हर अलग अलग डिपार्टमेंट में कई तरह के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए दिए जाएंगे अलग अलग, मतलब पशुपालन, मछली पालन, मत्स्य पे भी कर दिया गया है, तो इससे बेनिफिट इन लोगों को ये है। अब ये होता है कृषक बंधु लेंगे तो अगर उन्होंने अपनी फसल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, अगर उन्होंने पैसा कहीं दूसरी जगह लगा दिया और वो पैसा समय से नहीं जमा करा है बैंक में, तो लॉस हो जाएगा ना उनका, 7% जाएगा, अगर फिर भी दूसरी साल भी नहीं जमा करा तो 14% लग जाएगा, तो ये नुकसान होता है। क्या है, अगर हम जिसका पैसा ले रहे हैं जिस बैंक का, उसका समय से जमा करें और वो 3% का जो बेनिफिट है छूट का, वो भी हम लें, तो इस तरह से मतलब लाभदायक योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर से ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा कार्यक्रम, जिसमें हमने किसानों से बातचीत की सरकारी योजनाओं के बारे में, योजना के बारे में कहीं कुछ किसानों को कुछ जानकारी का अभाव भले ही हो, लेकिन उनका मानना ये साफ तौर पर है कि ये योजना किसानों के लिए लाभकारी है। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग गाँव से हम सरकारी योजनाओं का हाल आपके लिए इसी तरह से लेकर आते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।